तर मित्रांनो, गुड मॉर्निंग, वेलकम दिस माय ब्लॉग. म्हणजे मित्रांनो, आज चालला मी उदगीरकड आणि आता हे माझं फर्स्ट म्हणजे लगेच झालं, मी ब्लॉग केलं नाही तर आज आम्ही करायला लागलो ब्लॉगिंग. तर मग चला जाऊया आणि बाईकला पण मी बाहेर काढलं. तर मग चला थोड्या वेळात तुम्हाला भेटतो मित्रांनो. असं काही क्वेश्चन्स या लागले होते तुमचे की म्हणजे असं मराठीमध्ये तू ब्लॉग करू नको, आणि मेन म्हणजे कसं माहीत आहे का, मराठीत ब्लॉगिंग केलं का एक तर तुम्हाला असं काही समज नाही गेले असं काही म्हणलेले तर लोक म्हणजे हिंदीतले लोक असलेले त्याला समजत नाही ना मराठी, मग ते नाही त्याच्यामुळं म्हणलेले की तू मराठीमध्ये थोडं करू नकोस. तर मग ठीक आहे मित्रांनो, मग आता कसं करायचं काय नाही तुम्ही मला म्हणजे सांगा, कॉमेंटमध्ये सांगा की मी कोणचा ब्लॉग करू. तर मग मित्रांनो, मी आज हिंदी ब्लॉग शूट करणार आहे. तर हिंदी मराठी असं तुम्हाला वाटत असेल, वियर्डची चीज वाटत असेल की आता नाही काय करायला, हे चार दिवसाला हिंदी करते आणि चार दिवसाला मराठी. तर मित्रांनो, सिच्युएशनच तशी आहे, तुम्ही तर बघूच शकता आता की कशी सिच्युएशन आहे. तर सांगा तुम्ही मला की नक्की आता म्हणजे असं जास्त लोक सांगा की असं म्हणजे ज्याचे जास्त कॉमेंट येतील मी ते ब्लॉग स्टार्ट करणार आहे. तर ठीक आहे, तर मग आजच्या ब्लॉगला स्टार्ट करूया. आजचा ब्लॉग मी ते हिंदीमध्ये करणार आहे, ते तुम्हाला मी आज सांगितलं. तर मग हिंदीत करू आणि करायचं असलं तर किती % देता तुम्ही मला, आणि मराठीमध्ये करायचं असलं तर किती % देता. तर मग चला आजच्या ह्या ब्लॉगला स्टार्ट करूया. सो चलो गाइस, जाते हैं सीधा उदगीर. और साथ ही में गाइस यहाँ पे मतलब अभी उदगीर के अंदर हम तो एंटर तो हो चुके हैं, और साथ ही में मेरा भाई यहाँ पे गाइस तो मतलब वो स्मार्टफोन लेना है. तो कौन सा वाला लेना है भाई बता दे. मतलब भाई बनकर थोड़ा हाँ आई क्यू लेजेंड वो बोल रहा है. हाँ ये बात बहुत अच्छी लगी मुझे, इसको लेना जरूर है. हाँ तो वो तो सही है ना, मतलब लेने तो वाले हैं फिर भी लेना कौन सा है ये तो वही बोलेगा. अभी तो वो बोल रहा है कि पोको एक्स थ्री प्रो, बिकॉज क्या होता है क्या नहीं पता तो नहीं है, फिर भी देखते हैं क्या होता है गाइस. तो अभी हम लोग यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे कुछ हार्डवेयर का पार्ट चाहिए, तो यहाँ पर पापा देख रहे हैं, यहाँ पे ले रहे हैं. और गाइस काम तो हो चुका है, और यहाँ पे कुछ हार्डवेयर का कुछ सामान लेना था ये भी लिया है, और अभी टेम्पो आ रहा है उसके अंदर डाल के लेकर जाएंगे घर की तरफ. तो मतलब उसको बता देंगे घर पे जाके बोल के, तो लेकर जाएगा. और अभी हम जा रहे हैं नगर पालिका के अंदर, वहाँ पे थोड़ा मतलब भाई को फोन जो लेना है ना, तो उसकी वजह से नगर पालिका के अंदर जाना पड़ता है. तो वहाँ पर जाते हैं और उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ भाई. नगर पालिका के अंदर अभी हमने एंटर कर चुके हैं. तो भाई यहाँ पर देखते हो मेरे पीछे नगर पालिका है, और वहाँ पर देख सकते हो शिवाजी चौक के अंदर बैठता है, वहाँ पे शिवाजी का ध्वज महाराज का पुतला है. और यहाँ पर कुछ दुकान स्पॉन्स वगैरह तो सैमसंग की ब्रांडिंग्स वगैरह कुछ कुछ है, और बहुत सारे यहाँ पे दुकान भी हैं. तो देखिए कौन से वाले अभी दुकान पर पसंद करता है. मैं तो बोल रहा हूँ कि राज वाले के पास चलते हैं, राजेश क्या राजेश ऐसा ही कुछ का नाम है. तो वहाँ पे चलने के लिए बोल रहा हूँ मैं. तो ठीक है, बोल रहे हैं पापा भी, देखेंगे क्या होता है गाइस. थोड़ी देर में तो मैं आपको अपडेट देता ही रहता हूँ. तो चलो जाते हैं और वहाँ पर जाकर आपको मिलता हूँ. तो कैसे एक्साइटमेंट है अभी अभी कैसी एक्साइटमेंट है दुर्गा? बढ़िया भाई, इसका मतलब कैसा लग गया से रहा है दुर्गा, वो नया फोन गेमिंग वाला वो भी बढ़िया लग रहा है. तो फिर चलो गाइस जाते हैं, और आगे अभी हम लोग यहाँ पर जा रहे हैं. सो देखेंगे यहाँ पे फर्स्ट में इसी वाले दुकान के अंदर दूसरे में. तो चलो देखते हैं. देखते हैं और आगे कितना घुमाता है पता तो नहीं है, फिर भी देखेंगे क्या होता है.
देखेंगे वहाँ पे। माहौली बोल रहा है, सुन पहले तो एक बात, माहौली कहाँ पे दुकान? राज वाले सब, अरे भाई एक नंबर फोन देता है और एकदम बजट ले, बजट प्राइस के अंदर देता है, जो बोलते हैं ना वही देता है, मतलब जिस पर्पस के लिए जो पर्पस चाहिए वो निकाल कर देता है। ओ भाई वायरिंग सी, वायरिंग सी यहाँ पे। ओ जल्दी 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 चल, कहीं अपने ऊपर ना गिर जाए, क्या पता भाई कितने सारे, एक भी अगर कट हो गया तो पूरा वहाँ पर का वाईफाई नेटवर्क ही बंद पड़ जाएगा। थोड़ा अपने को क्या क्या उतना अपना नॉलेज उतना होगा, बट फिर भी गाइस जा रहे हैं अभी कहाँ कहाँ पर से भी घुसा रहे हैं, क्या करें। अभी इसको दिखाया था वीवो का VT1X9, वो भी दिखाया था, फिर भी उसको पसंद नहीं आया, फिर भी देखते हैं और क्या लेता है। मैं तो बोल रहा था वन प्लस नॉट ठीक होगा आई थिंक उसके लिए, गेमिंग के लिए, तो वो भी नहीं बोल रहा है। पोको एक्स थ्री प्रो भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करता है, तो वो भी बोल रहा था, तो वो भी नहीं कह रहा है। ठीक है देखते हैं क्या होता है। और अभी राज वाले के पास जा रहे हैं, तो चलो गाइस जाते हैं और वहाँ पर आपको मिलता हूँ। तो गाइस अभी जा रहे हैं जय राज के अंदर, तो देखेंगे क्या है क्या नहीं और कौन सा लेने वाले हैं। तो यहाँ पर ही मैंने हाल ही में मैंने बोल दिया था यहाँ पर जय राज एप्पल प्रो, तो यहाँ पर लेते हैं, देखेंगे कौन सा बेटर परफॉर्म करता है। देख सकते हो गाइस जो कि मेरे भाई ने स्मार्टफोन परचेज कर लिया है, जो कि वीवो T1 Pro, जिसमें नाम और काफ़ी अच्छा है, फ्लैगशिप डिवाइस है। देखते हैं क्या होता है क्या नहीं, गेमिंग के लिए लिया है, प्रोसेसर भी काफ़ी अच्छा है, तगड़ा प्रोसेसर है। सो गाइस फ़ोन तो ले लिया है, तो चलो अभी जाते हैं, और अगर उसके से ब्लॉग देख रहे हो तो यहाँ पर आप आ सकते हो, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे स्मार्टफोन सेल्स करते हैं। तो गाइस चलो जाते हैं और फिर देर में आपसे मिलता हूँ। तो गाइस मतलब फ़ोन वगैरह तो सब कुछ ले लिया है और अभी हम जा रहे हैं घर पे, जाना तो पड़ेगा ना गाइस, तो उसके लिए चलो जाते हैं। और डायरेक्ट गाइस आपको मैं मतलब जहाँ पे तो ये होता है ना, मतलब उद्गीर जहाँ पे ख़त्म होता है, तो वहाँ पर से आपसे मिलता हूँ गाइस। मतलब कुछ इस तरीके का है कि अभी क्या बताऊँ गाइस आपको, चलो गाइस जाते हैं, रास्ते के अंदर ही मैं आपको मिलता हूँ, बिकॉज क्योंकि गाइस यहाँ पे अभी ट्रैफिक तो काफ़ी ज़्यादा होती है उद्गीर के अंदर, तो चलो जाते हैं और उसके बाद आपसे मिलता हूँ। एंड सो गाइस मतलब कि मैं जैसे खाओगे नहीं, दुकान पे जाओ लेके आओ। मैं तो गाइस मतलब मैंने अभी जस्ट मतलब समथिंग 20 से 25 मिनट हो गए होंगे अभी यहाँ पर मैं पहुँच चुका हूँ, और साथ ही में मैंने कपड़े वगैरह सब कुछ चेंज कर लिया। और मतलब गाइस उसने मोबाइल जो लिया है वो वीवो T1 Pro लिया है, और साथ ही में मतलब गाइस इस ब्लॉग को मैं यहीं पर आज एंड करने वाला हूँ, बिकॉज आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा ब्लॉग लगा होगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, हो सके जितने लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करो। सो गाइस चलो मिलते हैं नेक्स्ट किसी इंटरेस्टिंग इसी तरीके के ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद गाइस।